इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों तरफ फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में पता नहीं कौन कहां हो जाए, किसका शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना ही नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत, जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल। जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार, लेकिन हम सामने लाएंगे हर गुनहगार को और करेंगे हर क्राइम का एक्सरे, ताकि आप और आपके अपने रहे महफूज। नमस्कार, मैं साहिल धूलिया जुर्म की दुनिया की कुछ काली कहानियां लेकर हाजिर हूं। आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। थाना सिकंदरा के गोलाना क्षेत्र में रिचार्ज कूपन में 20 रुपए न मिलने से नाराज युवक ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार देर शाम थाना सिकंदरा के गोलाना में रिचार्ज कूपन में 20 रुपए न मिलने से नाराज युवक ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल घटना उस समय की है जब एक युवक ने 20 रुपए का रिचार्ज कूपन लिया। जब रिचार्ज कूपन में पैसे नहीं मिले तो युवक की मां दुकानदार के पास पहुंचकर विवाद करने लगी और आरोप है कि विवाद के दौरान महिला का बेटा सनी दुकान पर तमंचा लेकर आया और दुकानदार उदय राज की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ नहीं था, दिन में वो उसकी माँ बोले उन्हें एक बच्चा कूपन लेकर गया था 20 रुपए का, तो वो घर लेके गया, उनने खुर्च लिया था, तो वो डला नहीं होगा उन पे, यहाँ पे डल गया होगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आती हैं कि आपका ये कूपन नहीं डल रहा है, तो बाबा ने कहा था कि मैंने तुम्हें बिना खुर्चा दिया था, इस कूपन को बिना खुर्चा लेके आओ, तो उनने मना कर दिया लौटालने से। इतने में उनकी माता जी ने उनके ऊपर 2-4 थप्पड़ मार दिए, गाली दे दी और 3-4 डिब्बे फेंक दिए थे, फिर वो यहाँ से चली गई। उसके बाद कुछ देर बाद उनका लड़का आता है करीब करीब 15-20 मिनट बाद और गोली मार के फरार हो जाता है। तो गोली लगने की आवाज हुई थी तो सब घर से निकल के आए, तुरंत कार में लेके गए उन्हें हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया, तो इतने में पुलिस वगैरह बुला ली थी और FIR करा दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि दुकानदार उदय राज की हत्या का आरोपी सनी भटनागर पुलिस गिरफ्त से दूर है, मगर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो वहीं मृतक उदय राज के परिजनों ने आगरा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आशा कुछ ना, वो ये लड़का ये कूपन लेगो, ये नाम तो मैं जानू ना, बाका है यहाँ सामने दुकान में, फिर वो कूपन लेगो, एक लड़का पे मंगाए वन छोटे बच्चा पे, वो बच्चा भाई बुकल लेगो खुर्च लेगो, फिर वो डरोलिंग में फोन में, भगवान मालिक डरो के ना डरो, मैं भी ना जानूं और वे भी ना जाने के डरो के ना डरो, फिर वो छोरा आयो इनके पास लौट आवे, इन नहीं यो कह दई केवल स्कूल से आएगा सो गो अपनी ड्यूटी पे थे, बिन नहीं यो कह दई भाई जग जान दे, जब डरवा के देख लेंगे, और वो छोरा जिद जिद आएगा चलो गो बाने अपनी मैया से जाके कह दई, मैया आई बन 2-3 डिब्बा विब्बा फेंक दिए और उनमें आके चांटे लगाए। मैं हमारी एक लाली है खिला रही हूँ ऊपर छत पे ही, फिर वहां डिब्बा फेंको, मैं उतर के आई, मैंने कहा है गोरी कहा है गो कहे 20 रुपया ने खा के बैठो ये भगवान है जाएगा, जान काका कहती चली गई गाड़ी फारी से, एक आध दई एक आध मैंने भी फिर की नहीं, और फिर वो तो चली गई, फिर बेबी खानो खाया है जे भी खाया है मैंने भी खा लिया, दिन में ही खा मैं हम, फिर करीब 6 बजे होंगे जब जे दुकान पे बैठ गो तो ये घूम रहे रोजाना ही घूमते, तो फिर इधर से आए थे जी इधर को गए और फिर यो लौट जाए सोई बस गोली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक उदयराज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी सनी भटनागर को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि सरेआम 20 रुपए को लेकर हत्या करने वाला हत्यारोपी जल्द ही गिरफ्तार होगा। ये सिकंदरा थाने के अंतर्गत गैलाना गांव पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति है तकरीबन 65 साल इनकी उम्र है, उदयराम जैन नाम है इनका। इनकी एक परचून की दुकान है इन्हीं के घर पे, वहीं पे एक सनी से कारोबार करके लड़का रहता है। उनकी माता जी करीब 4 बजे इनके परचून की दुकान पे गई थी और एक रिचार्ज कूपन खरीदा था इन्होंने। ये रिचार्ज कूपन से संभवतः रिचार्ज हो नहीं पाया
और इसलिए फिर बाद में वो आई थी रिचार्ज कूपन लौटाने, जिसमें इनकी कुछ कहा सुनी होगी। इस कहा सुनी के दौरान महिला ने जैन जी को एक थप्पड़ भी मार दिया और धमकी देते हुए कि मेरा बेटा आएगा तब मैं देख लूंगी। इसके बाद जब उनका बेटा आया सनी सिकरवार, तो उन्होंने उदयराम को गोली मार दी। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। लोगों की खोज जारी है, इन लोगों को जल्दी ढूंढ लिया जाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया है कि इन दोनों पक्षों में पहले भी कोई विवाद चल रहा था, इसी वजह से मामूली विवाद के चलते ये हत्या हुई। अब देखना है आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल वन न्यूज। आज के युग में हमारे देश में महिलाएं और लड़कियां सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर पर भी असुरक्षित हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी में सामने आया है, जहां एक मामा ने रिश्तों को तार तार कर देने वाली घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यहां शादी समारोह में शामिल होने आई 5 साल की मासूम के साथ उसके अपने मामा ने दुष्कर्म किया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां महिलाओं के सम्मान के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते और उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बना लेते हैं। यूपी के गोंडा जिले में शादी समारोह का माहौल उस वक्त बदल गया जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही मामा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घिनौनी वारदात के बाद मासूम काफी सहम गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित मासूम की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। ये जनपद गोंडा के थाना कटरा बाजार क्षेत्र में गांव में एक बारात आई हुई थी। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि 5 वर्षीय उसकी नाबालिग बच्ची के साथ उसके एक रिश्तेदार ने ही रात में बलात्कार की घटना कारित की है। तत्काल पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मासूम बच्ची बहुत खुशी से अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आई थी, लेकिन इसी बीच उसके मामा ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। शादी समारोह में सभी व्यस्त थे, लेकिन जब परिजनों को बच्ची काफी देर तक नहीं दिखी तो उन्होंने बच्ची की तलाश करना शुरू कर दिया। परिजनों को बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। जैसे ही मासूम को होश आया, उसने अपने परिजनों को सारा वाक्य बताया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने फौरन हरकत में आकर पीड़ित मासूम को मेडिकल परीक्षण के लिए महिला अस्पताल भेजा और आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पुलिस हिरासत में लिया गया है, उसका भी मेडिकल परीक्षण करा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां से उसको बच्ची क्या कार्रवाई के बाद जेल भेजा जाएगा। बच्ची की क्या हालत है अस्पताल में? बच्ची अभी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है, हाल डॉक्टरों के अनुसार स्थिर है। रिश्ते में वो कौन लगता था? रिश्ते में वो संवाददाता के अनुसार शायद मामा भांजे थे। वारदात से ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि हमारे समाज में कुरीतियां चरम पर पहुंच गई हैं। आज हमारे समाज में गैरों के साथ साथ अपनों से भी खतरा है और ये दरिंदे अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल वन न्यूज।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां अभी बाकी हैं, जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। वेलकम बैक, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं क्राइम एक्स। हमीरपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही घर में 5 लोगों की मौत की सूचना पुलिस को मिली। यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस महकमे के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा है हमीरपुर जिले की मौदहा कोतवाली क्षेत्र के उड़ाही बाजार का। जहां आज शाम एक घर से अचानक तेज बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को इस घर की फिक्र हुई। इस घर में कृष्णपाल सिंह और उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां सहित एक 4 माह की बच्ची रहती थी। ये कुल 5 लोगों का परिवार था जो 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। बदबू आने की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी तो पता चला घर में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो चुकी है और लाशें सड़ गई हैं। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि ये परिवार आस पड़ोस में किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, ना ही किसी से मिलता जुलता था। उनका किसी से मतलब नहीं, ना व्यवहार था ना किसी से बोलते थे, मगर जो बुड्ढा था वो मोहल्ले में सभी लोगों से निकलते चलते लोगों से राम राम जरूर किया करता था। और आज सुबह वो बुड्ढा दिखा ही नहीं और दिन भर नहीं दिखा आज, और इसे आज शाम को पता चला कि मुझसे कह रहा बदबू आ रही है, तो सोचा कि बिल्ली लिचुआ हुआ मर गया होगा, तो एक ज़्यादा बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई ख़त्म हो गया है। सर हमें दोपहर में यहाँ पर हम लोग रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पर यार काफ़ी बदबू आ रही थी, तो बदबू आई तो हमने 1-2 पड़ोसियों से कहा कि यहाँ पर बदबू बहुत आ रही, कब आते मेरे कोई कुत्ता उत्ता मर गया होगा, कभी काफ़ी देर कुछ नहीं पता चला। यहाँ पर हमारे भैया रहते मनोज भैया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो ये सब माजरा हुआ। ये यहाँ लोग 4 लोग रहते थे, 3 जिसमें कि 3 लेडीज है, एक बुड्ढा बुड्ढा है और एक अभी 3-4 महीने की बच्ची थी। एक साथ एक ही घर में 5 लोगों की लाशें मिलने की सूचना से पुलिस के हाथ पैर फूल गए और पुलिस महकमे के जिले भर के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। लेकिन इस घर के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को घुसने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मौदहा में एक ही परिवार के, जिसमें कि एक छोटी बच्ची है 6 महीने की, उसकी माँ है जिसकी उम्र लगभग 19 साल बताई जाती है, उसकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी, और जिसकी शादीशुदा लड़की है उसकी भी माँ और उसकी उसके जिसका नाना और नानी, इस तरह से 5 लोगों की यहाँ डेड बॉडी पाई गई है, अलग अलग स्थानों पर पाई गई है। खाने के सामान भी पड़े हुए हैं, रोटी पड़ी हुई है, सब्जियाँ पड़ी हुई हैं और भी सामान है, तो उन सारे साक्ष्यों को हम लोग देख रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टि कोई भी बॉडी पे एंटीमार्टम इंजरी नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है, ना कोई बात है। अब इसमें जो भी वाजिब कारण हो सकते हैं फॉरेंसिक लैब की टीम आ रही है, उससे जांच कराएंगे, जो वैज्ञानिक साधन होते हैं उसका प्रयोग करेंगे। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि कोई या तो इसमें ऐसी चीज़ खाई गई है जिसका कि दुष्प्रभाव बॉडी पर पड़ा है,
अब वो कैसे हुआ है क्या हुआ है दैट इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो भी चीज़ें इसमें डेवलप होंगी उसको हम करें। कोई घटना में एंटीमार्टम इंजरी आना, कोई फोर्स का यूज करना है या उसके द्वारा घटना कारित करना फोर्स के लिए, ऐसा कोई अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। एक साथ एक ही घर में रहने वाले पांचों लोगों की डेड बॉडी घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों को पड़ोसियों तक से कभी मतलब नहीं रहता था, उनका पूरा का पूरा परिवार अचानक कैसे खत्म हो गया। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है और अब लोग इस मामले के जल्द खुलासे के इंतजार में हैं। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल वन न्यूज। यूपी पुलिस अपने कारनामों की वजह से आए दिन विवादों में घिरी रहती है। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी का है जहां पुलिस के खौफ से एक 18 वर्षीय युवती को अपनी जान देनी पड़ी। अब मां का रो रोकर बुरा हाल है और वो खुद को कोस रही है कि आखिर उसने क्यों अपनी बेटी को थाने जाने दिया। देखिए रिपोर्ट। मामला यूपी के मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र के नगला सिकरवार का है। जहां कुछ दिन पूर्व एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसकी पूछताछ के लिए पुलिस ने भागी हुई लड़की की सहेली सरोज के पिता को थाने बुला लिया और उसकी 15 वर्षीय पुत्री सरोज को थाने बुलवाने का दबाव बनाया। जिसके बाद उनके परिजन उसे थाने लेकर गए, जहां पुलिस कर्मियों ने उसे अकेले में पूछताछ के नाम पर डराया धमकाया। सरोज के परिजनों के अनुसार जब वो थाने से निकली तो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि पुलिस सहेली के बारे में पूछ रही है, जबकि मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसने ये भी कहा कि पुलिस ने मुझे और पिताजी को जेल भेजने की धमकी भी दी है। एक लेडी दीवाने की बता लगी तो कुछ नहीं हुआ, मुझे सही बता दे तो मालूम है कि दीदी मुझे इतनी मालूम तो हम बताए रहे मुझे आगे को मालूम नहीं चाहे पार्टी कर दे हो तो माने निकालते मन दरोगा जी तो कही ये इतनी बात है अब कुछ और बता नहीं रहे तो बिने कहीं बुढ़े को जाओ लड़की को भेज दो कुछ काम हुई है तो मैं कल उठा लूंगा और नहीं बताएंगे तो मैं चालान काट देंगे तो इसीलिए वो लड़की डर गई तो बुढ़े चली जाएंगी। मैंने कही हम मोड़ी देर और नहीं कटन बुढ़ा नहीं देगी जेल भेज देंगे पुलिस वाले यही बातें मामले देंगे अंत करो चाहे जाने कल उठेंगे तो चालान काट दी तो जेल को भेज दी। भाई रमेश ने बताया थाने से घर लौट कर आने के बाद पुलिस का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। युवती की मां ने बताया वो बार बार यही कह रही थी कि पुलिस उसे उठा कर ले जाएगी। मैंने कहा था चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए मैं तुम्हें पुलिस को नहीं ले जाने दूंगी। उसने अपना दर्द अपने चाचा को भी बताया था पर पुलिस के खौफनाक चेहरे के सामने गरीबों के हौसले इतने बौने साबित हुए कि अगले ही दिन सरोज ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
एक गांव से लड़की चली गई है, वो उसके नाम दर्ज शैलेंद्र के नाम दर्ज रिपोर्ट की, तो उसने इनका नाम लिया गोलू का, तो उन्होंने पुलिस वालों ने हमारे पिताजी को उठा लिया, उन्होंने पिताजी को उठा लिया, उसने उन्होंने बोला कि गोलू को बुलाओ उनका बयान लूँगा, तब उनको छोड़ूंगा पिताजी का हुआ। फिर आगे ये हुआ कि मैंने उन्हें पूछताछ की, वो लड़के जो बताओ पुलिस का क्या आग था जो कि अलग बात कराई, उसका कारण है पुलिस वालों ने क्या पूछताछ किया, मारकूट क्या कुछ की, और एक कमरे में अंदर बंद करके पूछताछ की उन्होंने, क्या किया डरी हुई पकड़ी थी, फिर आके घर पर आ गई, घर पर उन्होंने फांसी लगा ली। पुलिस उनके पिताजी को और लड़की को उठा के ले गए, जैसे वहाँ पे चले गए थे, तो वहाँ से जब लौट के आइए थाने से, तो लड़की का नाम दो घंटे बाद हमसे जान मिली, तो बस ज़्यादा रोई मान लो ज़्यादा, तो हमें क्यों रो रही क्या बात है, कि हम थाने में गए थे तो अब हम थाने जाएंगे नहीं, पुलिस ने फिर बुलाया मतलब, तो मैंने ऐसी क्या बात है, कोई गंद ऐसा भी हो जाता है मान लो कि हर बात लड़की या कोई भी खुल के नहीं बता पाता, अब क्या किया पुलिस ने, थाने में कैसा धमकाया क्या नहीं किया, तो इतनी लड़की डर गई कि डर की वजह से उसने आके ये हादसा कर लिया। हम लोगों ने बहुत उसे समझाया, फांसी लगा लिया, क्या कर लिया, फांसी लगा ली उसने। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ घिरोर ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो परिजनों की डांट से डर गई थी, जिसके चलते उसने आत्महत्या की, फिर भी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, पुलिस से पूछताछ का इसका कोई लेना देना नहीं है, पुलिस की पूछताछ से उसने ऐसा नहीं किया, जो संज्ञान में आया है, मैं मौके पर गया था, लड़की ने जो है उसके माँ बाप ने उसको किसी बात को लेकर डांटा है और उसकी माँ बाप की डांट की वजह से जो है उसने सुसाइड करने की सूचना है, और ऐसा कुछ नहीं कि ये पुलिस की डांट की वजह से ऐसा कुछ, ये गलत है आरोप गलत। मैंने उसको बुलाया गया था लेकिन उसके पेरेंट्स उसके परिवार वाले सब साथ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है पूछताछ की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे ऐसी कोई पूछताछ करनी चाहते हैं सुसाइड कर लें, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो अगर इस तरह की बात का एलिगेशन अगर सामने आता है तो उसके खिलाफ जाँच की जाएगी, उसको दोषी होगा तो दंड किया जाएगा। पीड़ित परिवार के अनुसार वो पुलिस की इस कार्यशैली से बेहद आहत और निराश है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है और तफ्तीश की बात कह रही है। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल वन न्यूज। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद है, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त साहिल धुलिया को इजाजत, लेकिन चलते चलते एक गुजारिश दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।